है मेरा भैया खून। चार लड़के थे, एक बाइक पे थे और वो पहले हम लोग ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो बार बार आके वैन के आगे रोकने को कह रहे थे। गाँव के साथ में अभद्रता करने की साजिश थी या इनको लूटपाट की साजिश थी, ये सामान्य घटना नहीं है। काफी तेज बारिश हो रही थी, अचानक से पता नहीं कि चार लड़के बगल से निकले और कह रहे गाड़ी रोको गाड़ी रोको। मैम लोग भी थी साथ में तो हम लोग घबरा गए, गाड़ी रोकी नहीं। यूपी के सीतापुर में इस वक्त की बड़ी खबर सामने है, यह वैन में बैठी टीचर्स पर यानी महिला टीचर्स पर हमला हुआ है। नकाब पोश शरारती तत्वों ने हमला किया है, बाइक सवार शरारती तत्वों ने वैन का शीशा भी तोड़ा। कोनी घाट पर शिक्षकों पर हमला हुआ, स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर लौटते समय ये हमला हुआ है, शिक्षकों का यह आरोप है। इसी हमले में एक महिला टीचर भी जख्मी हुई है। वैन में बैठी टीचर्स पर हमला हुआ है, बाइक सवार चार नकाबपोश बदमाशों ने टीचर्स पर महिला टीचर्स पर हमला किया है, जिसमें एक महिला टीचर जख्मी हुई है। बाइक पर नंबर प्लेट भी ढका हुआ था, टीचर्स का यह आरोप है। महिला टीचर्स पर हमले के बाद वहां से हमलावर सिधौली की तरफ रवाना हुए हैं, सिधौली की तरफ फरार हो गए। सदना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है। सदना पुलिस का कहना है, ये दावा है कि जल्द हमलावर गिरफ्त में होंगे, सभी को पकड़ लिया जाएगा। तो यहां महिला टीचर्स पर स्कूल से घर लौटते समय हमला हुआ है। मैम ने उन्होंने कुछ कपड़ा या क्या पड़ा था नंबर प्लेट पे या कुर्ता था ये ध्यान नहीं है, नंबर प्लेट उनकी नहीं दिख रही थी। फिर वीडियो बनाने मैम ने सोचा, मैम ने उन्होंने वीडियो तो उसने कंगन कड़ा फेंक के मारा और तो वो इनके मुंह पे जाके लगा, इनका मोबाइल नीचे गिर गया और उसके बाद अब तक कोनी घाटा है, उन्होंने गाड़ी रोकी और वो लोग आगे चले गए सिधौली की तरफ, उधर सिधौली साजिश थी। कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ में अभद्रता करने की साजिश थी या इनको लूटपाट की साजिश थी, ये सामान्य घटना नहीं है। इससे पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ है कि जो वैन रोकने का प्रयास किया गया है, जब हमें बहनों ने शिक्षिका बहनों ने वैन नहीं रोकने का ठाना तो उन्होंने बराबर उसको पीछा किया और जब वैन न रुकने की कंडीशन में उन्होंने शीशे पर वार किया कि ताकि हो सकता है उसी क्रम में वैन रुक जाए और रुक जाए तो फिर उनकी जो मंशा थी लूटपाट की या जो और भी उनकी मंशा कुछ भी हो सकती है, वो जब अपनी मंशा में सफल नहीं हुए, वैन रुकी नहीं। जब वैन कोनी घाट पे रुकी, वहाँ पर चूंकि भीड़भाड़ का एरिया होता है तो वहाँ पर उनकी मंशा फलीभूत नहीं हुई, फिर वो चारों लोग सिधौली की तरफ भाग गए। महिला टीचर्स का कहना है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, बाइक सवार बदमाश जब वैन ड्राइवर ने गाड़ी को नहीं रोका, वैन को नहीं रोका तो शरारती तत्वों ने जो गुंडे थे जो बाइक पर सवार थे उन्होंने शिक्षकों पर हमला किया है, वैन का शीशा तोड़ा है, यानी वैन का शीशा तोड़कर वैन को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वैन ड्राइवर ने गाड़ी को नहीं रोका। बारिश तेज थी और वो उसको नहीं रोक पाए हैं, लेकिन घटना किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, ऐसा महिला शिक्षकों का और जो मौजूद शिक्षक थे थाने पर उनका यह आरोप है। क्या हुआ जी? हम लोग गाड़ी से ड्राइव कर रहे थे, काफी तेज बारिश हो रही थी, अचानक से पता नहीं कि चार लड़के बगल से निकले और कह रहे गाड़ी रोको गाड़ी रोको। मैम लोग भी थी साथ में तो हम लोग घबरा गए, गाड़ी रोकी नहीं। अब इत्तेफाक से फिर वो लोग फिर रुकने के बाद थोड़ी देर बाद हम लोग सोचे कि वो लोग चले गए, थोड़ी देर बाद फिर पता नहीं क्या अचानक से आए हैं, शीशा टूट गया बाद चेतन। अब मैम लोग सब लोग डर गए, हम लोग भी डर गए अचानक से, ये आखिर हुआ क्या। फिर जब अब तो समझ में नहीं, मैम भी कही कि रोकना नहीं, फिर वो आगे जब मैम ने मोबाइल निकाला कि लाओ वीडियो बना लें इन लोग की, जैसे ही मैम ने वीडियो बनाने की कोशिश की उन्होंने अपने हाथ से कड़ा निकाल के वो मोबाइल पे मारा है, पर मोबाइल पे वजह लगने के मैम के यहाँ पे गट्टे पे लग गया, वहाँ पे चोट लग गई। महिला शिक्षकों का यह आरोप है कि यह घटना पहली बार नहीं, ऐसी कई घटनाएं महिला शिक्षकों के साथ पहले भी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ सदना पुलिस का कहना है कि जल्द शरारती तत्व जो गुंडे थे जो बाइक सवार थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। लड़के थे, एक बाइक पे थे और वो पहले हम लोग ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो बार बार आके वैन के आगे रोकने को कह रहे थे। गाँव के साथ में अभद्रता करने की साजिश थी या इनको लूटपाट की साजिश थी, ये सामान्य घटना नहीं है। काफी तेज बारिश हो रही थी,
और अचानक से पता नहीं कि चार लड़के बादल से निकले और कह रहे गाड़ी रोको गाड़ी रोको। मैम लोग भी थी साथ में तो हम लोग घबरा गए, गाड़ी रोकी नहीं।